अभी क्या करोगे फिर नेक्स्ट? बोलो। This is still messed up. इतना ज़्यादा messed up तो रहता नहीं हमारे घर अभी. So Leo, what's happening? Leo, क्या चल रहा है यहाँ पे? Do you know? TV किधर गया? Boxes की वही यहाँ पे इतने. So I guess you will understand by how our house looks like right now. So we are shifting out. So this is gonna be a pretty interesting vlog about the new house that we're moving to. So हुआ क्या था? We shifted to this place about 1.5 years back. ऑनेस्टली हमारे साइड से तो यहाँ से निकलने का वी डिड नॉट हैव एनी प्लान्स. वी थॉट कि यहाँ पे रहेंगे और 2-3 साल एंड देन व्हेन वी डिसाइड टू बाई ए न्यू हाउस विल शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज़ प्रीटी कम्फर्टेबल. लियो को बाहर लेके जाना, खाना पीना, सोसाइटी एंड सारा चीज़. बट देन हुआ क्या, दिस फ्लैट लाइक इट गॉट सोल्ड आउट. द न्यू ओनर मूविंग इन बाई दिस मंथ एंड और अप्रैल 1st. सोसाइटी का ओनर है, ही हैज़ given us a tentative date ki either you shift out or shift within like to a different flat. There are a lot of things that we have to buy, there are a lot of things that he has to change over. Wo sara kaam abhi last 1-2 weeks mein sara cheez chal raha tha and it is almost ready right now. So that's why we decided ki we will start shifting things, some of the things on our own, and then baki to packers and movers ko bulana hi padega for heavy stuff. To theek hai, so abhi upar chalenge, we'll show you the new setup. अभी ऊपर जाके थोड़ा क्लीनिंग वीनिंग थोड़ा बाकी है. वी कॉल्ड सम गाइज ओवर फ्रॉम अर्बन क्लैप जो आके सब क्लीनिंग वीनिंग करके गया है. स्टिल अपना तो थोड़ा बहुत रहता ही है. प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम होगा इस बेचारे का, बिकॉज फॉर हिम राइट फ्रॉम हिज बर्थ दिस हैज बीन हिज होम. तो हमने अभी मूव कर दिया वन बेड जो हमारे छोटे वाले बेडरूम पे था, उसका ये वाला मैट्रेस रहा. So which will be moved now. And उसके बाद थोड़ा कहीं कहीं पे मिरर लगवाना है, थोड़ा हल्का फुल्का ड्रिलिंग करना है, दैट आई विल कम्प्लीट. एंड इन द मीन टाइम ममता विल कम्प्लीट पैकिंग ऑफ ऑल द क्लोथ्स एंड स्टफ. तो उसके बाद फिर आज जितना पॉसिबल हो छोटे लाइट स्टफ्स वी विल मूव. बट दिस बच्चा विल बी हियर अभी के लिए, तो इसको लेके नहीं जा सकते बिकॉज सर को फिर डस्ट एलर्जी भी है. तो भाई ये हो गया नया हॉल, थोड़ा इको होगा बिकॉज पूरा खाली पड़ा हुआ. कल हमने टीवी का सेटअप कर दिया है. ये बैल्कनी विद ग्लास डोर अगेन सेम शॉट से. दिस इज वन रूम जहाँ पे हम, दिस इज वेयर वी आर प्लानिंग टू डू अ सेपरेट प्लाईवुड काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे सेटअप करेंगे भगवान के लिए अलग रूम. एंड इस कोने में मोस्ट प्रोबेबली आई सेटअप माई ऑफिस जब तक वॉशरूम चल रहा है. यहाँ पे एक विंडो, दिस इज वन कवर्ड एंड फिर जाके ये हो गया दूसरा रूम विच अगेन विद वन कवर्ड एंड दैट आई डू माय बेड. जो मैं बोल रहा था दिस विल बी लाइक सेकंड बेडरूम एंड दिस कॉर्नर विल बी ममताज ऑफिस सेटअप. ये हो गया एक कॉमन सिंक, कॉमन बाथरूम एंड देन दिस इज द मास्टर बेडरूम. यहाँ पे अगेन वन मोर बालकनी और एक बालकनी. ये हो गया एक अटैच्ड बाथरूम. यहाँ पे कल एसी वगैरह सेट कर दिया हमने, तो वो ड्रिलिंग वाला सारा चीज़ खत्म कर लेंगे आज ही एंड देन विल मूव सम स्मॉल स्टफ्स लाइक क्लोथ्स एंड वट एवर इज लेफ्ट आउट. तो वो सारा चीज़ मूव करके देन वी विल बुक पैकर्स एंड मूवर्स फॉर टुमारो. कैसा लग रहा है? ये पता है हम लोग जो अभी मैट्रेस वैट्रेस लेके आ रहे हैं, दिस इज सेविंग अस एटलीस्ट 1,000 ईच. जो बेड लेके आए, मैट्रेस लेके आए, हम अपन एक दूसरे को देंगे 1,000. ठीक है, अभी और भी बहुत सारे चीज़ हम ही लेके आएंगे, विच इज सेविंग अस अ लॉट ऑफ मनी. फालतू का एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना तो फालतू का क्यों पे करना है? जो अनमूवेबल थिंग्स है हमारे से उसी के लिए पे करेंगे. तो चलो बाकी लेके आते हैं.
अभी तो काफ़ी सारे आने बाकी है। तो तीन बड़े बॉक्सेस आ गए, अभी ममता विल सेट अप ऑल द कवर्ड्स फर्स्ट, उसके बाद देन वी विल गेट अदर स्टफ्स। तो ममता कर रही है सारा कपड़ा सेट अभी इस कवर्ड में, मैं जाऊंगा नीचे नहाने, नहा के खाना वाना खाएंगे, लियो को भी लीचे लेके जाना है सुसु करने, 2 बज गए ऑलमोस्ट, बेचारा बहुत टेंशन में आ गया बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से ना हम लोग उसके साथ खेल रहे हैं, ना हम लोग सही से बात कर रहे हैं, रात को भी इतना सारा काम ये सब ऑफिस का काम, उसके बाद शिफ्टिंग ये सब करने के बाद टायर्ड होकर सो जाता जल्दी, बेचारा काफ़ी टेंशन में आ गया। उसको लेके थोड़ा घूमना पड़ेगा आज। आफ्टर लंच विल स्टार्ट शिफ्टिंग द किचन का सामान। अरे यार इसको देख के तो मतलब डिप्रेशन हो जाएगा मेरे को। इसको देख के यार मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा कसम से। मतलब हाँ इसका रेड टैग भी नहीं निकाला, कितना ही प्लानिंग हुआ है, कितना ही मतलब प्लानिंग डिसीजन सारा चीज, वे बॉट सो मच लेकिन राइट ना हो पाया। होगा अभी होगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग्स में पता चल जाएगा सभी को, विल टॉक मच मोर अबाउट दैट प्लानिंग। ये बड़ा सही है, यहीं पे साला खड़े होकर देख सकते हैं नीचे वाला मोमो का दुकान खुला है कि बंद है। सेट करते करते शाम हो गया और फिर ऑफिस का इतना सारा काम था आज स्पेसिफिकली जो नहीं होना चाहिए था, तो चलो वो सारा चीज़ ख़त्म करके अब ये रूम का तो हालत ही देख लो भाई। बात क्या ये को आता है मैम? सो गाइस ब्रांड न्यू डे बट सेम ओल्ड स्टोरी, वेलकम बैक बाय द वे। ये हो गया घर का अभी हालत, हाँ सामान आए जा रहा है आए जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट गॉट डिलीवर्ड टुडे, ये है क्या, ये है राउटर का स्टैंड, इसको भी ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके यहाँ पर चिपका लेंगे। राउटर का जो साइज है इसके लिए दिस स्टैंड इज लिटिल बिट स्मॉल, बट देखते हैं कितना हो पाता है। आज ही इधर आज से इधर खाना बनाएंगे क्या? ना। अच्छा ठीक है सही है। यहाँ पे होगा वॉशिंग मशीन, वो देखो जो मैं कल बोल रहा था मोमो का दुकान दिखता है आज से, वो देखो वापस खुल रहा है, आज खाएंगे सारा उधर से। This is my vegetable garden के लिए slab, समझे? तो तुम इधर गार्डन लगाओगे? Yes, put in the chili. कहाँ लगाना है? ठीक है हाँ। मजा आ रहा है घर के हिसाब से तो मेरे को काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, इट्स स्पेशियस सारा चीज़, वंस वी सेट इट अप एंड काफ़ी सारे नए चीज़ भी ला रहे हैं हम लोग, नॉट मूविंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस होम, तो सारा चीज़ सेट होने के बाद ये ऑब्वियसली इट विल लुक मच मच बेटर। दिस पर्सन वॉज वेरी ओल्ड सैड कि मम्मा पापा घर पे रख के कहाँ पर जा रहे हैं, बार इतने सारे बैग्स लेके इतने सारे बॉक्सेस लेके, तो इसीलिए उसको लेके आ गया जा वो दे दीदो गुरु दर तुम गो गुरु दर तुम ना गुरु बाय जाओ मम्मा को हेल्प कर जाओ। फ्रिज वॉशिंग मशीन वो सारे चीज़ कल मूव करने, पैकेट्स एंड मूवर्स वाले आएंगे, बुक करा है आज, कल मॉर्निंग 7 AM तक वो लोग आके सारा मूवमेंट वगैरह करेंगे, तो आज अभी थोड़ा वापस बाहर जाएंगे और थोड़े सामान लाने घर के, तो सारा चीज़ ख़त्म करके देन गुड बॉय स्टे लाइक दैट, हाँ तुमको यहाँ पे पैक करके हम लोग अभी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, गुड बॉय। अरे ये ट्रांसपोर्ट है ना, निकल जाएगा निकल जाएगा, डरेगा 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 पापा।
अच्छा स्टे वेल हैव टू रैप यू ना बाबा अब इसमें सेलो टेप लगेगा तो हाँ बबल रैप करना पड़ेगा ना तुमको तो गाइस ये रहा सुबह का सीन आज का बेड सारा डिसमेंटल हो गया ड्रेसिंग टेबल हैज बीन मूव्ड डाइनिंग टेबल इज गॉन थोड़े बहुत और सारे सामान है वो सारे मूव हो जाएंगे अभी इंक्लूडिंग दिस कैबिनेट ये डाइनिंग टेबल कम्प्लीटली सेट हो गया यहाँ पर ये कांच भी मूव हो गया उस रूम पे बेड का आधा पार्ट ड्रेसिंग टेबल वगैरह एंड देन हाँ मैट्रेस तो आ ही गया एंड देन द फ्रिज वॉशिंग मशीन सब आ गया ये सारा अभी सेट करने में दो दिन तो डेफिनेटली और लगेगा ये एक बस साला घर के बाजू में ऑलमोस्ट डेढ़ साल से हम लोग देख रहे हैं जस्ट पड़ा हुआ था डेढ़ साल से और अभी समझ में आया ये भी ओनर का ही है मेरे को लगता है किसी दिन एवेंजर जैसा घर के नीचे से फाड़ के मिट्टी फाड़ के प्लेन निकलेगा किसी दिन और वो भी मेरे ओनर का ही होएगा तो चलो जोक्स अपार्ट गाइस अभी सारा बहुत सारा चीज़ सेट हो गया ऑलरेडी थोड़ा और टाइम लगेगा टीवी कैबिनेट वगैरह सब सेट कर रहे हैं लियो को भी सेट करना है अभी लियो के लिए एक्स्ट्रा कॉर्नर रख के उसको उधर बांध देंगे है ना लियो हाँ कोई जाइश वेर आर यू गोइंग लियो का मैं तुमको बांधना है चलो चलो जस्ट अभी आरओ का सेटअप सेट करा सो दिस वाज प्रीटी टफ एक्चुअली तो यहाँ पे अभी ड्रिल करने की वजह से ऑल दिस डर्ट उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा हैड टू ड्रिल ट्वाइस सो इट वॉज बिट ऑफ ए हेडेक बट इसका वीडियो करना चाहिए था मैं कम्प्लीटली भूल गया बहुत सही मतलब एक्सपीरियंस था आई हैव नॉट डन दिस पहले हर बार ही जब भी शिफ्ट करा है या फिर आरओ का पोजिशन चेंज करा था वी हैड टू कॉल समवन एंड डू द ड्रिलिंग एंड स्टफ फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एकदम परफेक्ट सेट है फाइनली आफ्टर थ्री डेज ऑफ स्ट्रगल आफ्टर एक्सट्रीम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा ही तीन दिन से ऐसा लगा कि जिम नहीं गया लेकिन एक्सट्रीम कार्डियो तो डेफिनेटली हो गया लेग डे हो गया बहुत सारा स्टेयर्स चढ़ चढ़ के सारा सामान ला ला के तो सारा चलो इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड सो मेनी थिंग्स दैट आर कमिंग नेक्स्ट बट अभी के लिए तो ये घर सॉर्टेड है तो अभी थोड़ा यहाँ पे जिस नहा धो के निकले फ्रेश हो गए तो ममता एक छोटा सा पूजा करेगी तो भगवान से प्रे करो कि दिस शुड बी योर परमानेंट होम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स ठीक है ना नो मोर शिफ्टिंग गुड बॉय यू हैव बीन अ वेरी वेरी गुड बॉय इतना सपोर्ट किया मम्मी पापा को डिड नॉट बार्क वी जस्ट सिटिंग क्वाइटली वेरी गुड बॉय यू वांट टू से समथिंग टू ऑल द Humans who are watching your video. Kuba? Hello. Speak. Good boy. Good boy. इतना ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया लियो ने भयंकर एग्जॉस्टेड हो गया ना इसीलिए लियो के लिए एक आइसक्रीम लेके आया एक नहीं दो आइसक्रीम है ये खत्म करेगा फिर वापस से और एक मिलेगा गुड बॉय लियो को भी देख रहे हो पूरा फ्रिल हो रखा है बॉडी में एकदम सो टुमारो यू हैव टू टेक बाथ लियो ठीक है मुझे नीचे बोल लो तो एक आटा खा भाई इवन वन मोर इवन वन मोर क्या ये I have one more for you. नहीं चाहिए ठीक है I'll eat this. Do you want it? Drop that. Good boy. No. Good boy. Come here. आ चो. Do you want it? Talk to the women. Speak. Good boy. Or one. Good boy. Come. Okay. ले.
ठीक है खाओ।